पलटू राम पाकिस्तान का नया राग, परमाणु हमले पर इमरान खान का फिर आया बड़ा बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता पठारे और हाजिर हूं आज के न्यूज इन माय प्लेट में। अपने बयानों से अक्सर पलट जाने वाले इमरान खान ने फिर साबित कर दिया कि वे कभी भी एक बात पर टिके नहीं रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री लगातार युद्ध की चेतावनी देते रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच युद्ध का जिक्र करते रहने के बावजूद जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, जब उसे किसी देश ने सहारा नहीं दिया, जब सब ने उसे ही लताड़ा, तो अब पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भारत से द्विपक्षीय वार्ता को तैयार रहने के बयान के ठीक बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के तेवर भी नरम पड़ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब कहा है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान परमाणु हमलों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। कश्मीर मामले पर वैश्विक मंचों पर अलग थलग पले पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के विश्व समुदाय के खिलाफ बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने भारत के साथ परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी भी दी थी। कश्मीर पर दुनिया के अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वो व्यापारिक और व्यवसायिक फायदों के इतर सोचे। हाल ही में इमरान खान ने कहा था कि परमाणु हथियारों से लैस भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो इसके परिणाम केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। ये बयान उनका तब आया था जब किसी भी देश ने उनकी सहायता नहीं की थी, उनका समर्थन नहीं किया था। दुनिया को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी दे चुके थे इमरान खान। इमरान ने अमेरिका से भी हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। फ्रांस ने हाल ही में उत्पन्न हुए G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उनकी मित्रता भी बहुत गहरी दिखी। लेकिन ट्रंप ने भी यह कह दिया कि दोनों देश अपनी बातचीत खुद सुलझाए, अपना मसला खुद सुलझाए। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम और तिलमिला गए। पाकिस्तान पीएम इमरान खान जब दुनिया में अलग थलग पड़े तो मुस्लिम राग भी अलापायन होने। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इसीलिए दुनिया चुप है, लेकिन मुस्लिम राग अलापना भी इमरान खान के काम नहीं आया। पाकिस्तान को मुस्लिम देश के साथ भी नहीं मिला, ना मुस्लिम देशों का साथ, ना हिंदू किसी भी देश का साथ पाकिस्तान को नहीं मिला। इमरान खान के रेल मंत्री तो वाक युद्ध में उनसे भी दो कदम आगे नजर आए थे। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध की तारीख भी बता दी थी। रशीद ने कहा था कि अक्टूबर नवंबर महीने के बीच पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होगा। रशीद समेत पाकिस्तान की इमरान सरकार के कई मंत्री भी लगातार युद्ध की धमकियां देते रहे हैं। इसके बावजूद जब इमरान खान को यह लगा कि अभी भी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, भारत में अभी भी युद्ध नहीं हो रहा है, तो उसने फिर असम में जो NCR लिस्ट जारी की है उस पर भी बयान दिया कि भारत में गलत हो रहा है। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो अब पाकिस्तान को अपने तेवर नरम करने पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध होता है तो हम परमाणु का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। मतलब कि साफ है पाकिस्तान अपनी बात से पीछे हट रहा है। आज के न्यूज इन माय प्लेट में इतना ही था। दिन भर बने रहिए एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव के साथ एक से बढ़कर एक वीडियोज के लिए। थैंक यू, गुड डे।